हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि इन जो डिस्पोजल बॉक्सेस होते हैं इनसे मैं हैंगिंग प्लांटर्स कैसे बनाऊंगी। ओके, तो आप देख रहे हैं मैंने चार होल कर रखे हैं और मैंने लोअर पोर्शन में होल कर रखे हैं जो थोड़ा डाउन साइड में है ताकि वाटर आराम से ड्रेन हो जाए, और होल मैं अंदर की तरफ से करूँगी ताकि जो प्लास्टिक फोल्ड होता है या मुड़ता है वो बाहर की तरफ मुड़ेगा और वाटर आराम से ड्रेन होगा। ये गैस क्लीनर है जिसकी हेल्प से मैं होल कर रही हूँ। ओके, तो आप चार छः जितना मन कर रहा है उतने होल्स आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन यू। इसी तरह से मैं सारे तीनों में कर लूँगी। ओके, ये देखिए इसमें मैंने सिक्स किए हैं और इसमें इससे पहले वाले मैंने चार किए थे। ये देखिए सब में मैंने होल्स कर लिए हैं। अब मैं इनके साइड में होल्स करूँगी ताकि जो रोप होती है ना यहाँ पे जिससे मैं इसको हैंग करूँगी वो यहाँ से डालना है, इसलिए मैं यहाँ पे होल कर रही हूँ। ओके, ये इतने हैवी नहीं होते हैं तो हम कोई सी भी पतली सी स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, बहुत मोटी रस्सी हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा इसको धूप में ना रख करके इसे थोड़ा शेड में रखेंगे ताकि जो प्लास्टिक है ख़राब नहीं होगा और कुछ दिन तक हमारे प्लांटर्स चलेंगे अच्छे से। ओके, तो मैं ये मेरे पास यही पतली सी रस्सी थी तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो इसको गांठ मार करके मैं अंदर की तरफ से डालूंगी ताकि ये गांठ दिखेगी नहीं किसी को, बस रोप निकलेगी बाहर की तरफ से। ओके, एक बार अंदर की तरफ से डालेंगे फिर बाहर की तरफ से डालेंगे फिर अंदर की तरफ से डालेंगे। ओके, देखिए ये गांठ मार दी मैंने। आप प्रॉपर मेजरमेंट कर कर के गांठ मारेंगे ताकि जो हमारा प्लांटर है ना उसका बेस इक्वल रहे, सेम रहे, ऐसा ना हो कि हमारा प्लांटर एक तरफ से झुका हुआ है एक तरफ से ऊपर है, जैसे स्लैब फॉर्म करेगा ना, ये तीन स्लैब्स के फॉर्म में रहेगा, तो ऐसा ना हो कि एक तरफ से कहीं से ये झुका हो तो क्या होगा, हमारा वाटर जो है एक ही तरफ इकट्ठा हो जाएगा, उससे प्रॉब्लम होगी। वाटर एक जगह इकट्ठा होने से वहाँ के पेड़ों की जड़ें सड़ जाएंगी और एक तरफ पानी जाएगा ही नहीं। आप देखिए मैं कैसे मेज़र कर करके गांठ मार मार के कुछ इसको बना रही हूँ, ये देखिए। और अभी नेक्स्ट वाला मैं डालूँगी, इसमें देखिए बीच वाले में आपको गांठ दिख रही है क्योंकि मैंने बाहर से डाला है उसे, नेक्स्ट वाले में फिर से मैं वैसे ही डालूँगी बाहर से और अंदर की तरफ से निकाल दूँगी उसे। ओके, तो अब देख रहे हैं मैंने एक साइड से जैसा प्रोसेस करा है वैसे सेम प्रोसेस मैं रिपीट करूँगी दूसरे साइड से भी, मेज़रमेंट करके, ऐसे ही नहीं, मतलब मैं तो प्रॉपर मेज़रमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही मेज़र कर ले रही हूँ एक दूसरे से रोप में मिला मिला करके, बट आप चाहें तो पहले ही रस्सी में पहले से ही मार्किंग कर दें स्केल से मेज़र करके, उसके बाद आप ये गांठ मारते जाएँ और बनाते जाएँ, मार्क कर लें पेन से कि कहाँ पर वहाँ पर गांठ देनी है हमें, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर बन रहा है, देखिए आप इसे थोड़ी सी और अच्छी रोप यूज़ करिएगा, मैं ऐसे यूज़ कर ले रही हूँ। ओके, तो ये आप देख रहे हैं ऐसा हमें हैंग करेगा इस टाइप में, एक के ऊपर एक तीन। ओके, ये देखिए बेस मेरा बिल्कुल मतलब बराबर से आएगा स्लैब के फॉर्म में, ठीक है। हम इसमें प्लांट करेंगे, मतलब कोई हम प्लांट्स बाहर से ख़रीद के नहीं ला रहे हैं, हम इसमें जो प्लांट करेंगे पौधे वो अपने गार्डन से ही हम लेंगे। ये देखिए ये रेडी हो गया प्लांटर, देखिए बीच वाला मेरा थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब ऐसा लग रहा है इधर को जा रहा है, ऊपर वाला एकदम स्ट्रेट है। हम इसमें मिट्टी डाल रहे हैं, ये देखिए अभी मैंने मिट्टी डाली है, ये प्लांट्स मैं इसमें प्लांट करूँगी, ये छोटे छोटे से प्लांट्स हैं जो मैं अपने गार्डन से ही लेकर के आई हूँ, कोई प्लांट मैं ख़रीद के नहीं लाई हूँ, दोपहर ही आई, ये बहुत प्यारा लगता है और बहुत जल्दी रूट लेता है, ये और छोटे छोटे से प्यारे से फ्लावर्स आते हैं इसमें और हमेशा ही आते हैं, और ये हैंगिंग एक बेल टाइप का है वो हैंग करेगा, और ये सिंगोनियम है, इसकी जहाँ जहाँ पे रूट्स हैं मैंने वहाँ वहाँ से कट कर लिया इन्हें, और इनको मैं प्लांट करूँगी सबसे नीचे वाले में सिंगोनियम को, ये हमारे प्लांट्स है जो हम प्लांट करेंगे, और उधर आप देख रहे हैं हमारे प्लांटर रेडी हैं। ओके, तो सबसे पहले हम दोपहरिया प्लांट करेंगे, दोपहरिया हम सबसे ऊपर वाले में प्लांट कर रहे हैं, सबसे ऊपर वाला जो हमारा स्लैब होगा उस पर हम दोपहरिया प्लांट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो प्लांट है ये सीधा ऊपर को निकलेगा, तो अगर हम नीचे वाले में प्लांट करते हैं इसको तो क्या होगा कि ये ऊपर वाले प्लांटर में टच होगा और हमारे फ्लावर्स भी इतने प्यारे दिखेंगे नहीं वहाँ से, तो ये क्या है हम ऊपर वाले में प्लांट कर रहे हैं ताकि हमारे फ्लावर्स खुल के मतलब अच्छे से प्यारे से दिखेंगे ऊपर वाले में रहेंगे, तो बीच वाले में हम वो जो हमारा लटकने वाला बेल था वो और वो छोटे छोटे प्लांट्स थे वो लगाऊंगी मैं, और सबसे लास्ट वाले में मैं सिंगोनियम लगाऊंगी, क्योंकि सिंगोनियम का भी है कि वो इट डिपेंड्स, वो हैंग कर मतलब बाद में मैं चेंज भी कर सकती हूँ प्लांटर,
प्लांट्स के अकॉर्डिंग कि मतलब अगर उसमें नहीं सही बैठ रहा है तो मैं किसी और प्लांटर में उसको डाल के यहाँ पे कुछ और शिफ्ट कर दूँगी। अब देख रहे हैं दोपहरिया कितना ईजी है लगाना, मतलब स्टिक्स आप कहीं से भी इसको पिक कर लीजिए, ये स्टिक्स जो हैं कहीं भी आपको दोपहरिया दिख रहा है आप कट करिए लगा दीजिए। सिंगोनिया में देखिए जहाँ जहाँ रूट्स हैं मैं वहाँ वहाँ से कट करके इसको प्लेस करती जा रही हूँ। ओके, सिंगोनियम भी हमने मतलब बहुत इजी होता है ये सब प्लांट्स जो हैं इनकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगोनियम जैसे प्लांट्स की इनका क्या है, इनको थोड़ा सा भी मतलब चल जाता है, थोड़े से केयर में चल जाते हैं, खासकर दोपहरिया। दोपहरिया के तो बिल्कुल भी मतलब इतना नहीं है, उसको पानी चाहिए, पानी दीजिए प्रॉपर बस। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर से प्लांट मतलब उसमें फूल जो आते हैं ना बहुत प्यारे लगते हैं। तो सिंगोनियम प्लांट हम कर रहे हैं अभी इस समय, तो पहले हमारा प्लांट हो चुका है, उसके बाद हम बेल को प्लांट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वीडियो मैंने फास्ट नहीं किया है ताकि आप लोग देख सकें अच्छे से। ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा मट्टी के अंदर नहीं उसे डाल रही हूँ क्योंकि, और हमें सीधा ही प्लांट करना है, ये नहीं कटिंग हमने उल्टी लगा दी, कटिंग करी हमने ऊपर का पोर्शन नीचे डाल दिया, ऐसा नहीं, हमें सीधा सीधा ही प्लांट करना है जैसे मैंने कट किया वैसे ही। और उसके ऊपर मिट्टी डाल रही हूँ मैं धीरे धीरे से। ये देखिए मैंने कट किया, जो ऊपर का पोर्शन है मैं ऊपर ही रख रही हूँ उसे, ज़रूरी नहीं है जितना भी हम प्लांट कर रहे हैं इसमें कटिंग सारी कटिंग्स ही ग्रो कर जाएं, इट डिपेंड्स कितनी चल पाती हैं कितनी नहीं चल पाती हैं। तो सिंगोनियम भी हमारा प्लांट हो गया है, अभी हम नेक्स्ट प्लांट करेंगे ये वाले प्लांट्स जो बेल जैसा है, मिड में हम प्लांट कर रहे हैं। वैसे हम चाहते तो नहीं करते, हम इन्हीं को कर देते जो ये प्लांट्स हैं, इन्हीं को मैं तीन प्लांट्स लगा देती बहुत प्यारा लगता, बट वो बेल भी मेरे पास थी पड़ी थी फालतू में एक्स्ट्रा थी, मुझे अच्छी लगती है वो, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं लगा देते हैं इसी में, ग्रो करती हैं उसके बाद देखते हैं कैसा लगता है, लुक कैसा आता है। ओके, तो मैं इनके साथ साथ इन्हीं के साइड में मैं बेल लगा दूंगी इसी वाले में, बीच वाले में, मिड वाले में। ये देखिए इन बेल का भी यही है ना कि आप कहीं से भी कट करो, और वो मेरी मिट्टी ख़त्म हो गई थी, मैं मिट्टी लेने गई थी। इन बेल का भी ये है मतलब कि कहीं से भी कट करके आप लगा दो, रूट्स आ जाती हैं और बहुत प्यारी लगती हैं ये। मेरे एक प्लांटर में है ये, मैं आपको दिखाऊंगी उसकी पिक भी। ये देखिए जहाँ जहाँ पे नोड्स हैं आप कट कर सकते हो और इजीली प्लांट कर सकते हो। ये देखिए मैंने बेल भी प्लांट कर दिए, जबकि बेल लगाने से वो इतना लुक अच्छा नहीं आ रहा है, वो तीन प्लांट्स बहुत अच्छे थे। फाइनल लुक ये है मेरे प्लांटर का, आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये कितना प्यारा लग रहा है। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय।